रहमान रहीम, आज जब असेंबली का इजलास शुरू हुआ और आज क्वेश्चन आवर था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर तैमूर तालपुर साहब को जवाबात देने थे। पहला सवाल ये था कि सिंध के हुकूमत कितने आईटी सेंटर चलाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उसके ऊपर उन्हीं ने जवाब दिया कोई नहीं चलाती। और उसके बाद जो खड़े होके कहा, उन्हें कहा कि किसी की ज़रूरत भी नहीं। अब आप ये सोचिए कि जिस सूबे का इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वज़ीर ये कहे कि आईटी सेंटर्स की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात उन्हें कही कि हमने आउटसोर्स किए हुए हैं, और आउटसोर्स किए हुए पे उन्हीं ने जवाब दिया कि 400,200 लोग ट्रेन किए हैं पिछले 10 साल में। अब आप सोचिए कि आज के दौर में ये सूरत हाल हो, तो अगला सवाल उनसे पूछा गया कि मिनिस्टर साहब, आप ये बता दीजिए कि आपकी वजारत का फंक्शन क्या है, और आपके नज़दीक इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मतलब क्या होते हैं। उसका भी जवाब देने से इनकार किया, और साथ साथ डिप्टी स्पीकर जो हैं जिस तरह हाउस चला रही थी, जिस पे वो सवालात के जवाब जब सही नहीं होते तो उन्हें सेंसर करना चाहिए वजीर को कि आप रेलेवेंट जवाब दें, वो नहीं दिया। और साथ साथ वो वजीर जब उसके पास जवाबात नहीं हुए, हमारे खुर्रम शेर जमान साहब का जवाब सवाल था तो वो जातियात पे उतर आए। अगर हम जातियात पे बात करेंगे तो हमें भी उनके इलाके के स्कैंडल्स पता हैं, वो भी सामने आ सकते हैं। हम समझते हैं कि ये हकूमत इस ऐवान के तकद्दस को पैमाल कर रही है, इस ऐवान की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रही। हमारी अभी तक स्टैंडिंग कमेटीज़ नहीं बनी। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हमसे एग्री की थी, उससे बिल्कुल मुनहरिफ होके उन्होंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाई। मेरे पास बकायदा उस मीटिंग के मिनट्स भी हैं जिधर ये फैसला हुआ था कि अपोजिशन की तीन बड़ी जमातों के दो दो नुमाइंदे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होंगे। उससे बिल्कुल मुनहरिफ होके उन्हीं ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाई, और ये कमेटी बन जानी चाहिए थी पहले 15 दिन में, ये बन रही है 150 दिन बाद। इस वक्त तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, हम इस हाउस में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑपोजिशन के पास होनी चाहिए, इससे कि जिस सूबे में से खरबों रुपए की धांधली के बात हो रही है, करप्शन की बात हो रही है, जीआईटी कह रही है, ऑडिटर जनरल कह रहा है, ऐसे सूबे की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हुकूमत के हाथ में होनी ही नहीं चाहिए। हम आज फिर मुतालबा करते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमें दी जाए। स्टैंडिंग कमेटीज का जो 25 अक्टूबर को फैसला हुआ था उसके लिहाज से ऐलान करे लीडर ऑफ द हाउस कि हमने जो 14 कमेटियां मांगी हैं उनमें से हमें हमारी कमेटियां दी जाएं। और मैं समझता हूं कि इस जो हमारे सवालात थे आज के, उनमें भी बड़े अहम अहम सवालात थे। एक सवाल पूछा गया था सेफ सिटी प्रोजेक्ट के 10,000 कैमरास के बारे में, इनके पास कोई जवाब नहीं था। इसे के ये कॉन्ट्रैक्ट भी नैब में है, और जब पहली दफ़ा दिए था तो 2,000 कैमरा के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था, इससे कि उन कैमरास की क्वालिटी ऐसी थी कि उसमें ना शक्ल पहचानी जाती थी, ना कोई उससे इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी। 1600 रुपए के कैमराज लेके शहरियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, और मेंटेनेंस के मद में बेतहाशा पैसे दिए जा रहे थे। आज 2016 से ये मामला कैमराज का सस्पेंशन में पड़ा हुआ है।
इस शहर में जितने क्राइम होते हैं ये लोग उसकी तरफ उतनी तवज्जो नहीं दे रहे। मैं आप कमर साहब मेरे बाकी अपोजिशन के में जो लोग साथी हैं हसनैन साहब और अलीम आदिल शेख साहब से कहूँगा कि वो भी बात करें आपसे और जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं आगे कवर करें। आइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माज़े साफ़ी हजरात, ट्रेजरी बेंचेस गवर्नमेंट सूबाई असम्बली का इजलास चलाने में संजीदा नहीं है। ये इनके मिनिस्टर्स एक तो आते नहीं हैं और जो लोग आते हैं वो तैयारी करके नहीं आते हैं, उनके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं होता। और जो डिप्टी स्पीकर साहिबा हैं वो बिल्कुल बायस्ड होकर जानिबदार होकर इजलास को चला रही हैं और जो इनकी खराबियां हैं जो इनका करप्शन है हुकूमत का उसके ऊपर पर्दापोशी कर रही हैं। आज मोहम्मद हुसैन भाई ने खड़े होकर और ये ऐवान के हर मेंबर का राइट है कि अगर ऐवान तरीक़े और कायदे से नहीं चल रहा हो तो कोई भी रूल कोई भी मेंबर रूल्स ऑफ बिजनेस की बुक से हवाला दे सकता है। तो मोहम्मद हुसैन भाई ये बात कहते रहे कि ये ऐवान जो है मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलने दिया जाए, ये ऐवान कायदे और जवाबित के बग़ैर चल रहा है, कायदे जवाबित के मुताबिक नहीं चल रहा है। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा ने उन्हें बात नहीं करने दी। आज बड़े अहम इशू पर हमारे कॉल अटेंशन नोटिस थे जो कराची के भी थे और सिंध के भी बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर, तो हमने टोकन वॉकआउट किया, इन्होंने सारा बिजनेस ख़त्म कर दिया। इस वक्त जो सूबाई गवर्नमेंट है उसकी तवज्जो करप्शन और करप्शन के बाद जो उनके ऊपर JITs बनी हैं और जो चार्जेस लगे हैं उनसे किसी तरह से जान छुड़ाने के ऊपर उनकी सारी तवज्जो है, उनकी सिंध असम्बली के बिजनेस पर और सूबे में तामीर और तरक्की पर, पानी जैसी बुनियादी चीज़ जो कि शहरी इलाकों में हो या दही इलाकों में हो उस पर बात करने के लिए उन मसाइल को हल करने पर बिल्कुल नहीं है। हम इस बात पर पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम इनके इस रवैये पर अगर उन्होंने रवैया दुरुस्त नहीं किया तो हम अपना असेंबली में एहतजाज जारी रखेंगे। और अगर इन्होंने सिंध के हालात को सही नहीं किया, सिंध के लोगों की खिदमत नहीं की, तो इस एहतजाज को बढ़ाकर पूरे सूबे सिंध की सतह पर भी लाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम इस तारीख साज ऐवान के बाहर खड़े हैं जहां एक सियासी कदम करारदात पाकिस्तान जहां पेश हुई और अंग्रेज़ों से जान छुड़ा के ये मुल्क ये हमें पाकिस्तान बन के मिला। आज हकूमत वक्त को एक सियासी शख्सियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अजीम कुर्बानी के एवज़ आज तीसरी दफ़ा यह हकूमत पर लगातार फायज हुए हैं। अजीब और हैरान कन बात यह है कि ये खुद ये जमहूरियत का कत्ल करने क्यों तुले हुए हैं। मैं आपसे मीडिया हजरात से पूछना चाहता हूं कि नेशनल असेंबली में तो उन्होंने प्रेशर जनरेट करके चेयरमैनशिप ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो लीडर ऑफ अपोजिशन को दिलवा दी जहाँ वो किसी रूल्स का या कानून और आइन का हिस्सा नहीं है, मगर फ़कत दो जमायतों के आपस में एक मुआहदे के तहत जिस मुआहदे पे सिग्नेचर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था वो सिग्नेचर वो मुआहदा आज वफाकी हुकूमत इमरान खान साहब वो तो ऑनर कर सकते हैं। मेरा सवाल मुराद अली शाह साहब से है कि आपको क्या अपनी शहीद लीडर के मुआहदे पे आपने खड़ा नहीं होना? उसकी आपके सामने आपके नज़रों में उसकी कोई अहमियत नहीं है? जमहूरियत का हर कदम पे आप कत्ल किए जा रहे हो, हम आपको तंकीद बराए इस्लाह कर रहे हैं, खुदारा कुछ होश के नाखून लें। आज भी तीसरी बड़ी अपोजिशन की जमात को बैठने तक कमरा नहीं मिला। आपको रूल्स और प्रोसीजर्स आपको पता नहीं है। कल मैंने रेज किया था कॉल अटेंशन नोटिस पे जो रेलेवेंट रूल्स पढ़ के सामने, अव्वल तो स्पीकर साहिबा डिप्टी स्पीकर साहिबा
खुदा रहा आप भी कुछ टाइम लेकर ये किताब जो सामने है इसको पढ़ लें, और आपके सामने जो सन कोटा पे आपने भर्ती किए हुए लोग जो मेरिट की जो आप इधर कत्ल कर रहे हैं उनसे भी कुछ एडवाइस ले लें, उनको भी बोलें कुछ रूल्स पढ़ लें। जो आज सवालात जो पेश किए गए थे, जिस तरीके से वजीर मौसूफ ने जवाब देना अपनी शान और तौकीर के बराबर ही नहीं समझा, खुदारा ये एक जमहूरी ऐवान है, आप खुद अगर मैंडेट का दावा करते हैं तो ये हम भी इसी गरीब आवाम का मैंडेट इनके वोटों के वोट लेकर इस ऐवान तक पहुंचे हैं। आपके गरीब आवाम सिंध धरती पे हर जुबान बोलने वाले, हर मजहब, हर मसलक से वाबस्ता लोगों की आवाज़ बुलंद करने हम भी आए हुए हैं। खुदारा इस आवाम के जवाब आपको देने पड़ेंगे, आज आप ऐवान में दें या कल आपको सड़कों पे देने पड़ेंगे। थैंक यू। फिर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज के इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपकी तवज्जो इस जानिब दिलाना चाहूँगा, जिस तरह कंवर नवेद भाई ने कहा कि आज का हाउस कवायद और जवाबित से हटकर आज का हाउस चलाया जा रहा था। अपोजिशन अराकीन का जो बिजनेस है, हमने हज़ारों क्वेश्चन जमा कराए हुए हैं और बहुत सारी तहरीक इल्तवाएँ, रेजोल्यूशन, कॉल अटेंशंस, हमारे बिजनेस को रोकने का एक भोंडा तरीका इस गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इन्होंने वो तरीका तो शुरू किया लेकिन ये खुद उससे एक्सपोज हो रहे हैं। यानी तवज्जो दिलाओ नोटिस, इसके ऊपर हमेशा अपोजिशन के अराकीन इसका सहारा लेते हैं। कभी भी गवर्नमेंट अराकीन जितने भी एमपीएस हैं वो कभी भी तवज्जो दिलाओ नोटिस पर कोई इशू जमा नहीं कराते और कभी तहरीक अल्तवा जमा नहीं कराते। इस सेशन में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एमपीएस जो अपने मिनिस्टर अपनी गवर्नमेंट से मायूस हैं, उनकी कारकर्दगी से मायूस हैं, वो सवालात इस हाउस में जमा करा रहे हैं कॉल अटेंशन की सूरत में। एक एक दिन में तीन तीन चार चार कॉल अटेंशंस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की आ रही हैं। इसी तरीके से आप ये देखिए कि क्वेश्चन आवर्स के अंदर कम से कम 30 सवालात होने चाहिए। हमारे हजारों सवालात जमा हैं, किसी दिन 5 सवाल आ रहे हैं, किसी दिन 6 सवाल आ रहे हैं, किसी दिन 7 सवाल आ रहे हैं, ताकि कम से कम वक्त में सवालात से जान छुड़ाई जाए, और उसमें भी मिनिस्टर मुनासिब जवाब नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, तहरीक-ए-इल्तवा पेश की जाती है सिंध के इश्यूज के ऊपर। हमारी तहरीक-ए-इल्तवाएं ब्लॉक करने के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अराकीन ने 18 तहरीक-ए-इल्तवाएं एक ही दिन में, एक ही वक्त में जाके जमा करा दी, ताकि अपोजिशन की तहरीक-ए-इल्तवाओं को रोका जाए आउट ऑफ रूल, कायदे के खिलाफ। और जब एडमिसिबिलिटी पर बात होती है, उसको एडमिट करना या उसे रिजेक्ट करना, उसकी टेक्निकलिटी पे जब बात होती है तो वहां मुद्दे ही भी वही, मुनसफ भी वही। अगर आउट ऑफ रूल है, आउट ऑफ ऑर्डर है तेरी कहलता, तो उनका मिनिस्टर खड़े होकर कह देता मुझे कोई एतराज नहीं है, इसको एडमिट कर लिया जाए। तो मैं ये कह रहा हूं। उसके अलावा मैं आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बहुत अहम इशू डिस्कस करना चाह रहा था, तवज्जो दिलाओ नोटिस के ऐसे हटकर। इस शहर कराची में जो इनक्रोचमेंट रिमूवल का जो प्रोसेस चल रहा है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था सिंध गवर्नमेंट को कि जितने लोगों को बेदखल किया जा रहा है उनके लिए अल्टरनेट ज़मीन का बंदोबस्त किया जाए, उनको बसाने का बंदोबस्त किया जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि 200 मिलियन सिंध गवर्नमेंट केएमसी को दे ताकि ये डेब्रीज उठाई जाएँ, फुटपाथ बनाई जाएँ, सड़कें तामीर की जाएँ, जो ये तबाह हाल सूरत हाल है इससे निपटा जाए। आज तक, इस वक्त तक मैं आपके सामने बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद सिंध गवर्नमेंट ने केएमसी को रिहैबिलिटेशन के लिए, अल्टरनेट ज़मीन देने के लिए, बेघर लोगों को बसाने के लिए, जो दुकानदार अपने कारोबार से बेदखल हो गए उनको अल्टरनेट दुकानें देने के लिए एक रुपया जारी नहीं किया। ये सीरियसनेस नज़र आ रही है सिंध गवर्नमेंट की। और उसके साथ साथ आखिरी एक बात और मैं ये करता चलूँ, आज मेरी प्रिविलेज मोशन थी,
इन्होंने हमारे टोकन बाइकाट का जो फायदा उठाकर जिस तरह से हमारा बिजनेस हाईजेक किया, बददियंती का मुजाहरा किया इस हाउस के अंदर कि हम टोकन वॉकआउट पर गए, पीछे से 5 की 5 कॉल अटेंशन हमारी हाईजेक कर ली गई, और उसके साथ साथ प्रिविलेज मोशन, ये मैं आपके तवसुत से आवाम को बता रहा हूँ कि मैंने इसके ऊपर बड़ी स्टडी की, बड़ी मेहनत की। 2017 से 2018 तक इस हाउस में पास होने वाली करारदादें, उनकी ये औकात है, इस हाउस की ये औकात है कि सिंध गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट ने एक करारदाद के ऊपर जवाब देना भी गवारा नहीं किया, जबकि रूल कानून ये कहता है, रूल 135 इसका रेजोल्यूशन का 135 का सब रूल 3 ये कहता है कि विद इन 1 मंथ हर डिपार्टमेंट जिसके लिए रेजोल्यूशन पास होगी वो सिंध असेंबली सेक्रेटेरिएट को आगाह करेगा कि इस करारदाद के ऊपर क्या कार्रवाई हुई। इन्होंने किसी महकमे ने इसके ऊपर भी जवाब देना गवारा नहीं किया, तो मैं ये आज प्रिविलेज मोशन लाया था। ये प्रिविलेज मोशन मेरी रेजोल्यूशन के ऊपर नहीं थी, इस हाउस से पास की जाने वाली 2 साल में तमाम की तमाम रेजोल्यूशन के ऊपर थी। मैं ये बताना चाहता था कि सिंध गवर्नमेंट के इदारों की नज़र में सिंध असम्बली की ये औकात है कि 168 मेंबरान जो इस सिंध अवाम के मुंतखब करदा मेंबरान हैं, जो अवाम के मसाइल के ऊपर करारदादें लाते हैं, उनको पास करवाते हैं, उन पर तकरीर करते हैं, उस पर अपनी तशवीश का इजहार करते हैं, जब वो रेजोल्यूशन पास होती है तो इन्हीं हुकूमत जो सिंध हुकूमत है, यही मिनिस्टर जिनके मातहत ये इदारे हैं, वो जवाब देना भी गवारा नहीं करते। ये है इस सिंध असम्बली की औकात, और ये है इस सिंध असम्बली में अवाम के 168 नुमाइंदों की हैसियत। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अपोजिशन के साथियों का कि आज जब हमने देखा कि ईवान में वही सिविलियन डिक्टेटरशिप हमें नज़र आई डिप्टी स्पीकर साहिबा की जानिब से, कि उन्होंने बुलडोज कर दिया। और बात यह है कि सवालात हो रहे थे, सवाल के जवाब इसलिए नहीं थे कि सोचना चाहिए बिलाल भुट्टो को कि कोई तो वजह है कि आपकी पार्टी 4 सूबों से 4 डिवीज़नों तक पहुँची है, कोई तो वजह है। ना अहल और बद किरदार वज़रा जब बैठे होंगे कि जब सवाल आए, किरदार तो इलाके के लोग उनके जानते हैं, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, इनका किरदार इनके हलके के लोग जानते हैं, लेकिन जब ये ईवान में जवाब ना दे पाए, उनसे सवाल किया गया जी आईटी का मतलब क्या है, नहीं आया उनको। वजह क्या है कि उनको ये पता है कि जेआईटी का मतलब क्या है। जेआईटी का मतलब आता है एक लफ्ज़ बलफ्ज़ आता है, जेआईटी क्या है, आईटी का मतलब नहीं आता। उनसे कहा गया जी आईटी सेंटर्स कितने हैं, उन्होंने कहा आईटी सेंटर्स की जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो समझते हैं कि जेआईटी सेंटर्स होने चाहिए। इतने चोरों को पकड़ने के लिए जेआईटी सेंटर्स, मैं समझता हूँ हर जिले में आईटी सेंटर्स तो इंशाल्लाह हम आके खोल लेंगे, लेकिन जेआईटी सेंटर्स होने चाहिए जहाँ इन सब की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हो जो कि चोर हैं और यहाँ आकर बैठे हुए हैं। और उसके बाद कह रहे टावर MPA, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, पर्सनल रिमार्क्स देते हो, अपने जवाब देते नहीं हो, तुम्हें ये नहीं पता साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, तुम्हें ये नहीं पता आईटी क्या है, तुमने भत्ता दिया एक सिस्टम के तहत, तुमने जी आउटसोर्स मतलब भत्ता दे के वजीर लग गए हो, हर महीने भत्ता दे रहे हो, तुम्हें जवाब नहीं देना, और कमेंट कर रहे हो एक मौजूद रुकन पर, आरिफ मुस्तफा जतोई साहब पर, और मुझ पर भी डायरेक्ट कर रहे हो कि मिस्टर टावर, शर्म आनी चाहिए। बात यह है कि आज पता चलेगा, सिंध की आवाम तुमसे पूछेगी। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि आज मेरी एक बड़ी ज़बरदस्त, एक बड़ी अहम, सिंध की आवाम के लिए बड़ी ज़रूरी कि हमारा कॉल अटेंशन था कि पूरे सिंध में दवाइयाँ नहीं मिल रही। मेरा था कि CM के अपने हलके में दवाइयाँ गायब हैं, डॉक्टर गायब हैं, अस्पताल पे पुलिस ने कब्जा किया हुआ है, इन्होंने बुलडोज कर दिया, और हमारा टोकन वॉकआउट को इन्होंने कहा जान छुटी, सो लाखों पाए, जान आपकी नहीं छुटने लगी। मुराद अली शाह साहब, आपकी करप्शन वाजे हो चुकी है, आज आपसे मेरे सवाल पूछना था, मेरा था कॉल अटेंशन कि क्यों नहीं मिल रही, आपके हलके में दवाई नहीं मिल रही, आपके हलके में एम्बुलेंस नहीं मिल रही, आपके हलके में डॉक्टर्स नहीं हैं, क्योंकि आपकी तवज्जो अनवर मजीद को नवाजने में है, आपकी प्रायोरिटी अनवर मजीद की शुगर मिले हैं, आपकी प्रायोरिटी सिंध की आवाम नहीं है। और बात यह कि जिस अंदाज से आज इन्होंने रूल्स को बुलडोज किया, जिस अंदाज से इन्होंने अपोजिशन की आवाज़ को बुलडोज किया, तो हम ये बताना चाहते हैं इस तरीके से इजलास हम नहीं चलने देंगे। अगर आप समझ सकते हैं कि आप बदमाशी से बुलडोज करके, डिक्टेटरशिप करके आप इजलास चलाना चाहोगे, तो नहीं चलने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह
اپوزیشن کٹھی ہے سندھ کے عوام کے ایشوز کے اوپر ہم سب کٹھے ہیں. دوسرا آپ محمد حسین بھائی نے ایک بات کی ڈیبریز اٹھانے کے لیے. میں کہتا ہوں کہ ذمہ دار کون ہے؟ کل ایک بچہ, ایک غریب بچہ پاکستان کا, جب انہوں نے دکانیں توڑ دی تو وہ سریا چننے گیا کہ شاید اپنے ماں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے, اپنے باپ کے لیے, بوڑھے باپ کے لیے کوئی سریا بیچ کے دو وقت ایک وقت کی روٹی لے جائے. اس کے اوپر ملبہ گرا, بچہ مر گیا. ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں بتایا جائے اس بچے کا قاتل کون ہے کہ کل جب ملبہ نہیں اٹھایا گیا, کسی وجہ سے نہیں اٹھایا گیا, سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ بچے کا قاتل بتاؤ جو کل بچہ, جی جی وہ جو پیسے دینے دیں. لیکن میں کہتا ہوں یہ سب باتیں ہیں, اس کے بھی ذمہ دار ہیں. اور اب سنا ہے واٹر بورڈ بھی آج کوئی توڑنے پھوڑنے جا رہی ہے, پانی تم دے نہیں رہے ہو. لالو کھیت میں کوئی لکھت آباد میں واٹر بورڈ کی زمین خالی کرائی جا رہی ہے, ارے پانی تو دو. انہوں نے اچھا ڈرامہ بنا لیا ہے, لگتا ہے پھر یہ زمین انور مجید کو الاٹ کرنی ہے انہوں نے. آج واٹر بورڈ کے اوپر بھی آپریشن کر دو, اس پہ بھی کر دو, اس پہ بھی کر دو. ڈپٹی کمشنر لیٹر لکھتا ہے, پولیس آ جاتی ہے, ادھر سے ڈوزر آ جاتے ہیں, دھڑم 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 دھڑم. بھائی پی ٹی آئی کا کوئی واسطہ نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں اس توڑ پھوڑ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. اور مجھے اس بچے کا بھی حساب چاہیے, اس کا قاتل کون ہے مجھے بتاؤ. سندھ حکومت اس کے قاتل ہے. اور آخر میں کہتا ہوں مراد علی شاہ صاحب, آپ پہ جتنے چارجز ہیں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن ہے. آپ کے سیکٹریز, آپ کے ڈی سیز, آپ کے لوگ ریکارڈ نہیں دیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے فیئر ٹرائل کے لیے. مہربانی.